तो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज जो है एक और न्यू राइड के लिए हम निकल चुके हैं और घर से थोड़ी सी दूर पहुँचे तो ठंड लग रही थी। हमने राइडिंग गेयर्स नहीं पहने थे, यहाँ पे रुक के मैंने बोला पहले राइडिंग गेयर्स पहन लें, और ऊपर से धूप भी है, और व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, वेलकम बैक अगेन और यूट्यूब चैनल दलोजियन राइडर। आज से जो है हमारे यूट्यूब का नाम भी चेंज हो चुका है, दलोजियन राइडर 54, बिकॉज एम्प्टी व्लॉग्स थोड़ा ओड सा लग रहा था एंड अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं चेंज कर सकता था, तो मेरे पास एक एडवांटेज थी, इसलिए मैंने अपना नाम भी चेंज कर लिया, हेयर इज़ बब्बर। और थोड़ा थोड़ा इस पर भी मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इसकी भी हमने काफ़ी दिन से बस चलाई जा रहे हैं। और बैक का व्यू देख रहे हो आप, कितना ज़बरदस्त आ रहा है रावी रिवर का, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ज़बरदस्त है, मज़ा भी आ रहा है काफ़ी। मेरे साथ है अभी अमूडन, आपने देखा ही होगा, ये मार्केटिंग वाले हैं। कार्ड जो लगवाए थे वो मुझे पड़े थे 980, आपको लगवाने तो आप 400 समथिंग के भी लगवा सकते हैं, बट आपकी किस्मत है कि वो अच्छे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। मेक श्योर आप थोड़ा ध्यान से देख के लगाइएगा, और तो ये बढ़िया लगते हैं और बाइक की लुकिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एंड अभी जो है मैंने माइक सेटअप भी कर रखा है अपने हेलमेट पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, और काफ़ी लोग पूछते हैं मेरा ब्लॉगिंग सेटअप, तो आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल माउंट है, और ये जे माउंट के साथ, और यहाँ पे एम सील के साथ मैंने अटैच कर रखा है। और सुनाओ गाइस, हेलो हेलो, 1 2 3, 1 2 3, होप करता हूँ मेरी माइक की साउंड जो है बढ़िया आ रही होगी आपको। तो अभी जो है मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, फुल गियर अप हो गया हूँ मैं। लेट्स गो, अभी लग जाएगा पता कि मेरे माइक की साउंड कैसी आ रही है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया आ रही होगी। ये वाला रोड जो है काफी अच्छा है और काफी मजेदार है भगाने के लिए, बट अभी यहाँ पे जो कर्व आते हैं वहां पे देख रहे हो आप, ये रेत है, तो इस रेत में आप कभी मतलब लीन मत करना बाइक, नहीं तो आप खुद ही लीन हो जाओगे। और ये अपने गांव के रोड है गाइस, रोड पे पानी गिरा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, शायद कोहरा है या क्या है। और जो माइक है ये 1.6 पे नहीं आ रहा, यहाँ पे जो है मुझे मेरे माइक ने धोखा दे दिया, बिकॉज ये चल नहीं रहा था। आपको दिख रहा होगा कि आपको जो विंड नॉइस है वो काफ़ी आ रही होगी, तो ऐसी ऐसी दिक्कत कुछ हो जाती है ब्लॉगर्स के साथ, कभी माइक हैंग हो जाता है, कभी आपका कैमरा हैंग हो जाता है, तो काफ़ी परेशानी होती है। मुझे आज तक माइक का सेटअप पता ही नहीं लगा है, तो इस बार भी मेरा पोपट हो गया है, एंड इसलिए मैं मेरा मन नहीं करता माइक लगाने का, बट जल्दी सोच रहा हूँ मैं गोप्रो लेने की, बट बजट नहीं बन रहा। और यहाँ पे जो है हम फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगाते हुए लेके जा रहे थे, और काफ़ी मज़ेदार रोड है ये यहाँ तक। और आगे जंदरेड़ा वाला रोड जो है वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, खड्डे होते हैं वहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत होती है बाइक चलाने में, बट काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है यार यूथ ने, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, वो देख रहे हो वो ग्राउंड है, देख रहे हो वो ग्राउंड है। अभी जो है ये रोड सेक्शन हो चुका है इस यहाँ के लिए, एंड जो नदी का पानी होता था वहाँ वहाँ तक होता था, अभी आप देख रहे हो मतलब सूख चुका है, और आगे डैम भी आपको दिखाएंगे कितनी डैम सूख चुकी है। तो अभी जो है ड्राइव का मजा लीजिए, थोड़ा सा रोड खराब है, मैं आपको पता है बोलने का मन भी नहीं करता है। Salt and lime, oh my.
देख रहे हो वहाँ पे सामने, क्या बात है यार। डैम के मतलब दो गज छोड़े और डैम का पानी बिल्कुल कम से कम है, समझ रहे हो आप। अभी हम पहुंच चुके हैं डैम के बिल्कुल करीब और आप यहाँ से देख सकते हो कितना पानी छोड़ा हुआ है, वो देख रहे हो आप वहाँ पे कितना सारा पानी छोड़ा हुआ है। और ये जो डैम है बिल्कुल खाली होने के कतार पे आ चुकी है और यहाँ यहाँ तक पानी होता था इसका, ये देख रहे हो आप, ये जो एरो है यहाँ यहाँ तक पानी होता था, कितना कम हो चुका है। एंड मुझे नहीं पता यार इसकी हवा ज़्यादा है या कम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगली 25 होती है, पिछली 30 समथिंग होती है, बट ख्याल से ज़्यादा है हवा के लिए थोड़ी कर रही है। ओवरऑल लुक देखी जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत ही देख रहे हो आप ये बोट जो है, बोट देख रहे हो कितना नीचे और ये कितना ऊपर है, बोटिंग पॉइंट कितना ऊपर है। तो पानी देख रहे हो आप कितना ज़्यादा कम हो चुका है, तो देख रहे हो वहाँ से भी लेवल देख रहे हो आप, भाई साहब क्या चट्टाने ही चट्टाने हैं और ड्रावनी सी है, अमेजिंग मैन, क्या बात है। कितने टाइम बाद, मतलब कितने सालों बाद, टाइम तो क्या कितने सालों बाद आज हमने ये वाली डैम देखी है और बिल्कुल खत्म होने के पानी जा रहा है, मेरे जा रहा है अपना सुनना भी और आप व्यू तो देख ही सकते हो नदी का कैसा व्यू आ रहा है, खाली खाली सी नदी है ये भी है। अंकल भी डर गए थोड़े से, ये वाला रोड जो है ये पीछे की साइड जाता है एंड यहाँ से जो है हम जा रहे हैं चंबा की ओर। सो गाइस आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इन चीजों के लिए, कहाँ चले थे और कहाँ पहुंच गए। अभी हैं हम नियर बाय सुंडला के पास और देख रहे हैं हम यहाँ पे हमें बैर मिल गए और हम बैर खाने के लिए उतर गए रोड से नीचे और कांटे इतने हैं कि भाई क्या बताएं, स्ट्रगल क्या बात है। इस लड़के की हाइट थोड़ी सी बड़ी है तो ये यहाँ पे उतर रहा है और मैं नीचे वाली साइड से तोड़ रहा था एंड क्या बैर है यार, मीठे बैर हैं। अगर कोई इस साइड आता है छोटी वाली साइड तो आप भी बैर खा सकते हो। यहाँ पे लोकेशन आप देख लो, यहीं पे नाला जैसा है, यहाँ पे स्लो होना पड़ता है, उसी के साथ में बैर है आ चुके हैं एंड
काफी झुक झुक के जाना पड़ता है यार। ये देख रहे पीछे भाई, क्या बात है यार, भर भर के बैर लाए हैं खाने का। और मेरे पीछे देख रहे हो एरिया आप, बिल्कुल सूख चुका है, पानी से है ही नहीं। ये क्या हो गया? एंड हियर इज बब्बर, देख रहे हो बाइक कितनी दूर लगाई हमने।